दे तुमसे कि उसके कहने पर मेरा पूरा दिन बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय व्यर्थ चले गया। नहीं, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। आपके पास में 86,400 रुपए हैं, कितने रुपए हैं जम के बोलो जरा, 86,400 रुपए आपके पास में। अब 86,400 रुपए में से 10 रुपए किसी ने चुरा लिए, कितने रुपए चुराए जम के बोलो जरा, 10 रुपए। 86,400 रुपए में से 10 रुपए किसी ने चुरा लिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा मूड खराब हो गया, मेरे 10 रुपए चुरा लिए। तो तुम क्या करोगे, 86,400 में से 10 रुपए तो चुरा लिए, अब 86,390 जो बचे हैं तुम उसको फेंक दोगे क्या जम के, तो बोलो नहीं। 86,400 रुपए में से 10 रुपए कोई चुरा के ले गया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे 10 रुपए किसने ले लिए, मेरे 10 रुपए किसने ले लिए, और उसमें से अब तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम क्या 86,390 फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे, उसको तुम फेंकने वाले नहीं हो, तुम फेंकोगे नहीं उसको। और हो सकता है कोई ऐसा बहुत धनपति हो, करोड़पति हो, वैभवपति हो, तो वो फेंक भी दे कि 86,390 बचे हमें तो फेंकना है, 10 रुपए किसने निकाल लिए मेरे, 10 रुपए चुराए किसने मेरे, और वो 10 रुपए के चक्कर में तुम 86,390 रुपए फेंक दो, कहीं कहीं का हो सकता है, पर हमको तो नहीं लगता कि जो समझदार व्यक्ति होगा, जो चतुर व्यक्ति होगा, वो 86,390 फेंकेगा नहीं, वो फेंकेगा नहीं। बोलो रे बोलो छत्तीसगढ़ वालों, फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। 10 रुपए चले गए ना, तो तुमने अपने 86,390 रुपए संभाल के उसको रख लिया, संभाल के उसको रख लिया, संजो के उसको रख लिया। अब इतनी चतुरता छत्तीसगढ़ वालों आपको है, इतनी चतुरता पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे राष्ट्र में जितने बैठे हैं और देश विदेश में जितने कथा सुन रहे हैं उन सबको मालूम है कि 86,400 रुपए में से 10 रुपए कोई चुरा के ले गया तो 86,390 रुपए फेंके नहीं जा सकते। तो फिर पूरे एक दिन में, पूरे समय में हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं, कितने सेकंड होते हैं जम के बोलो, पूरे सेकंड होते हैं, 24 घंटे का अनुवाद लगाया जाए तो पूरे समय को मिला के हमें जो प्राप्त हुआ है वो 86,400 सेकंड हमें प्राप्त हुए, और 86,400 सेकंड में से 10 सेकंड अगर किसी ने अपना बेकार भी कर दिया तो निवेदन है बाकी के सेकंड को हमें बेकार नहीं होने देना है, बाकी का सेकंड हमें अपना बना कर रखना। फिर क्यों कह देते हो कि उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरा पूरा दिन बेकार हो गया, काहे को दिन बेकार हो गया, उसने 10 सेकंड बोला, उसने 1 मिनट बोला, उसने 15 मिनट बोला, वो 15 मिनट जाने दो, बाकी का दिन तो अच्छा निकालो, वो 10-15 मिनट गए ना जाने दो, बाकी का समय तो अच्छा निकालो, वो 15-20 मिनट जो लड़ाई हुई, जो झगड़ा हुआ, जो व्यर्थ की बातें हुई वो जाने दो, उसके सिवाय जो अच्छा समय है हमारा उसको आप अच्छा निकालने का प्रयास करो। हम दिन भर ये विचार कर कर बैठे हुए हैं, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ना 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 ना, 10 सेकंड चले गए, 1 मिनट चले गया, 10 मिनट चले गया, 5 मिनट चले गया, 15 मिनट चले गया, चले जाने दो, पर बाकी का समय व्यर्थ मत जाने दो, अपने समय की कीमत को जानो। एक कितना सुंदर बात है, जरा देखिए, हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होता है, जब घर में बेटे की शादी होती है ना तो बहुत बहुत चीजें सोची जाती है, कहां पर क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है वो पता करा जाता है। अब हमें आप लोगों का तो नहीं मालूम, परंतु हमने ऐसा सुना है, जब घर में बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, और बहुत अगर पैसा भगवान ने दिया है तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजों को बुलाने का प्रयास किया जाता है। तो किसी के घर में बेटे की शादी थी तो उन्होंने कहा पर क्या प्रसिद्ध है, तो किसी ने कहा हम वहां का बैंड प्रसिद्ध है, बैंड बाजे बुलवाना है तो वहां के बुलवा, फिर किसी ने कहा वहां का कैटरिंग प्रसिद्ध है, वहां का हलवाई बुलाओ,
बहुत जोरदार भोजन बनाता है, प्रसिद्ध है हलवाई। कचौड़ी बहुत अच्छी बनाता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनाता है, रसगुल्ला अच्छा बनाता है, उसको बुला। फिर किसी ने कहा टेंट वाला, तो टेंट वाला वहां का प्रसिद्ध है, वहां से टेंट वाले को बुला, बहुत जोरदार टेंट लगाता है और बहुत अच्छी व्यवस्था कर देता है। फिर किसी ने कहा बैंड हो गया, हलवाई हो गया, टेंट हो गया, अब दूल्हा बैठेगा घोड़ी पे, तो घोड़ी, तो क्या घोड़ी वहां की बहुत प्रसिद्ध है, कहा वहां से घोड़ी बुलवा, दूल्हा उस पे बैठेगा। तो अब घर के लोग उस घोड़ी वाले के पास पहुंचे और घर के लोगों ने घोड़ी वाले से कहा, भैया हमारे लड़के की शादी है और तुम्हारी घोड़ी चाहिए, हमने सुना है तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, हमने सुना, इसलिए हमारे दूल्हे को, हमारे बेटे को हम तेरी घोड़ी पर बिठाना चाहते हैं। घोड़ी वाले ने कहा, देखो भैया घोड़ी तो प्रसिद्ध है, मना नहीं है, पर यह बताओ कि दूल्हा कैसा है। भाई जब घोड़ी तुम देखने आए हो कि घोड़ी अच्छी चाहिए और प्रसिद्ध घोड़ी चाहिए, तो दूल्हा कैसा है? तो उन्होंने कहा दूल्हा भी अच्छा। तो घोड़ी वाले ने कहा, देखो मेरी जो घोड़ी है वो 3 छलांग लगाएगी, उस 3 छलांग में अगर तुम्हारा बेटा कूद गया घोड़ी पे से उतर गया तो ठीक है, पर अगर 3 छलांग में अगर वो नहीं कूदा नहीं उतरा तो 4थी छलांग में तो वो रोएगा, उसको घसीट लेगी, उसकी खाल निकल जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब बोलो। तो लोगों ने कहा था घोड़ी बहुत जोरदार है, तो घोड़ी तो प्रसिद्ध है पर उसकी आदत इतनी बेकार है कि वो 3 छलांग लगाई, 3 छलांग में दूल्हे को उतरना, और 4थी छलांग अगर उसकी वो 3 छलांग में नहीं उतरा तो 4थी छलांग में तो वो रोएगा, बिलखेगा, दुखी मनाएगा। तो दूल्हे के घर वालों ने कहा, ठीक है हमारा लड़का बहुत प्रसिद्ध है, जैसे तुम्हारी घोड़ी प्रसिद्ध है ऐसे हमारा लड़का घोड़ी पे तो कूद जाएगा पक्का, लाओ तुम बारात में घोड़ी लाओ। अब यहां घोड़ी की और दूल्हे की कथा नहीं है, यह कथा है आपकी और हमारी। इस संसार में आने के बाद परिवार में, नातों में, रिश्तों में, समय में, ये जो हम बैठते हैं, ये बैठने पर 3 छलांग लगाने का समय आता है। बचपन में हम भगवान के चरणों में जाकर छलांग लगा लें, बन सके तो जवानी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें, जवानी में नहीं लगा पाए तो अधेड़ी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें, और अगर 3 बार हम छलांग नहीं लगा पाए तो बुढ़ापा हमारा बेकार है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सभी पुलिसकर्मी जो नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाते हैं, एक बार मैं कैमरा आस्था चैनल से कहूंगा जरूर दिखाएं उनके लिए, जो संपूर्ण देश में एक प्रेरणा देते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन की पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए, संपूर्ण पुलिस प्रशासन के लिए, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत। तीन मौके मिलते हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी, तीन। पर हमने बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन गया ना, जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चले गया जाने दो। जवानी गई ना, जाने दो, कोई तकलीफ वाला विषय नहीं। अधेड़ी गई ना, जाने दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जो अवस्था अभी चल रही है, जो अवस्था अभी चल रही है, जिस अवस्था को हम अभी चल रहे हैं, उस अवस्था में हम अपने कर्म के साथ में अपने शिव को जोड़ लें, कर्म के साथ में हम परमात्मा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। बोलबम का नारा है सारी समस्या का हल, अपने कर्म के साथ हम परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करें। जब हम अपने कर्म के साथ परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत कर, एक पत्र है देखिए, मेरा नाम
रमेश कुमार बुनकर है, मैं शांति नगर भिलाई का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों रमेश कुमार बुनकर जी, आप ही हैं, पधारो एक बेलपत्र लेने के लिए, आइए आइए। मेरा नाम रमेश बुनकर है, मैं शांति नगर भिलाई का निवासी हूँ। गुरुदेव मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा के आशीर्वाद का क्या वर्णन करूँ। वकीलों की ऑल इंडिया बार परीक्षा 18 पास की है गुरुदेव। परीक्षा बहुत कठिन थी, इंडिया में 1,00,000 लोग केवल इस परीक्षा के अंतर्गत बैठते हैं और उसमें से कुछ लोग ही पास हो पाते हैं। गुरुदेव इस परीक्षा के अंतर्गत पूरे भारत की किसी भी कोर्ट में केस लड़ने की, पूरे इंडिया में कहीं पर भी केस लड़ने की परमिशन इस परीक्षा के अंदर मिलती है। इस परीक्षा में लोग रात दिन मेहनत करते हैं तो भी निकल नहीं पाते हैं। पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो चौगुनी मेहनत करो, मैंने एक बार दो बार कर देखा, फिर चौगुनी मेहनत करी और भगवान शंकर पर एक बेलपत्र और शहद और जल का प्रयोग कर गया। आज मेरे बाबा ने मुझे वो पद प्रदान कर दिया जिसकी प्रतीक्षा मुझे जीवन से थी। गुरुदेव छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुझे जीवन भर आजीवन का सदस्य बना दिया और पूरे ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपने कागज संलग्न कर केस लड़ सकते हैं, ऐसी परीक्षा में मेरे बाबा ने मुझे उत्तीर्ण करा है। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए, आपका विश्वास, आपकी मेहनत, उन्होंने पत्र में लिखा इस परीक्षा को देने एक बार नहीं कई बार इसका प्रयास किया गया और लाखों लाखों लोग इस परीक्षा को देते हैं तो कुछ फल मिल पाता। अपना कर्म तुमने किया, मैं धन्यवाद देता हूं वकील साहब को, आर के बुनकर जी को, कि आपने अपना मेहनत, आपने अपना कर्म पूरा करा और इतनी मेहनत आपने करी कि साथ में आपने ये विचार कर लिया कि आपने एक लाइन लिखी है कि सीवर वाला महाराज कहता है कि पहले मेहनत करो और मेहनत के साथ में बेलपत्री पर लगा जल, बेलपत्री पर लगी शहद और शिव जी को, नर्मदेश्वर को, भगवान शंकर को चढ़ाओ एक लोटा जल। मेहनत के साथ, आपका परिश्रम पहले, आपकी मेहनत पहले। और करो, कोई तुमसे कह दे कि यहां पर बैठ जाओ और यहां बैठने पर तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना हाथ हिलाना पड़ेगा, ना पांव हिलाना पड़ेगा, ना कुछ काम करना पड़ेगा और कोई तुम्हारे को देकर चले जाए, ना ना ना, आज का जमाना बड़ा विचित्र है जीजियों। मेरी जितनी जीजी बैठी है, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, जितनी माताएं बैठी हैं, उन सबसे कहूंगा आज का जमाना बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। आज के समय में बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आप जितना संघर्ष करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ में जब आप बाबा का भजन करेंगे, एक लोटा जल शिव को समर्पित करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है कि निश्चित। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साथ। मेहनत तुम्हारी है, संघर्ष तुम्हारा है और साथ में फिर वो कहते हैं ना, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ। आपकी मेहनत के साथ शिव की कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन हो,
शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन। मेहनत करते रहो, शिव का स्मरण करते रहो, तो मंजिल के करीब पहुंच ही जाओ। हमने कुछ माताओं को देखा है, वो अपने बच्चे को जब सुलाती है ना, तो गोदी में रखकर बार बार उसको थपथपाती है। बोलो आपने देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के थपथपाती। और जब अकेले में रहती है ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको भजन भी सुनाती, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। अब बाबू तो सोए नहीं, आंख फाड़ के बैठा। भले वो आंख खोल के बैठा है, माँ ने बोलना बंद करा है क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। नहीं, माँ ने फिर उसको पटका और पटका, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। इतनी देर में वो गोदी में से नीचे उतर के माँ जाके बैठ गया। ले फिर माँ ने पकड़ा उसको, फिर गोदी में लाई, फिर सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। अब माँ एक शब्द पकड़ कर बैठी है, एक शब्द। हमसे भी लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम एक शब्द पकड़ के बैठे रहते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये 25 बार कथा में बोलना जरूरी है क्या? तो हम कहते हैं हमने इसी माँ से सीखा है। वो माँ लगी एक ही शब्द पकड़ के बैठी है, बोलो कौन सा? बोलो जम के तो बोलो, सो जा बाबू सो जा। औलाद खिसक गई, सामने जाके बैठ गई, आंख फाड़ के देख रही, परंतु नहीं वो सोता ही नहीं। फिर माँ ने पकड़ा, फिर गोदी में लिया, फिर बोली सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। थप थपाती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही। आखिरी में बाबू की आंख में नींद आ ही गई और बाबू सो ही गया। माँ ने थपथपाना नहीं छोड़ा, माँ ने एक शब्द को बोलना नहीं छोड़ा। उसी तरह तुम 25 बार बोलते रहो, 25 बार कथा सुनते रहो, 1000 बार कथा सुनते रहो, कभी तो ये मन रूपी बाबू शंकर के चरणों में जाकर विश्राम करेगा, कभी तो पहुंचेगा। इस मन को बार बार कथा तक लेकर जाओ, इस मन को बार बार शिव तक लेकर जाओ, कभी तो सुनेगा। हम बेटियां बेटे एक परीक्षा देते हैं ना, उस परीक्षा में अभी अभी हमने देखा था राजस्थान में कोटा में बहुत सारे बच्चे एजुकेशन ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कोचिंग करने के लिए जाते हैं। कई कई बच्चे गांव के, कई बच्चे अन्य जगह के, रायपुर में, भिलाई में, बड़े बड़े राजनांदगांव आदि अधिक बड़े बड़े शहरों में लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं। कोई राजस्थान पढ़ने जा रहा है, कोई दिल्ली पढ़ने जा रहा है, कोई पुणे पढ़ने जा रहा है, कोई रायपुर पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई भिलाई पढ़ने के लिए आ रहा है। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और कई बार वो बच्चे उस कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पाते, तो वो सोचते हैं क्या मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरे मम्मी क्या कहेगी, मेरे पापा क्या कहेंगे। सीए का एग्जाम दे रही हूँ, इंजीनियर का एग्जाम दे रही हूँ, डॉक्टरी का एग्जाम दे रही हूँ, आईपीएस का एग्जाम दे रही हूँ, इसका एग्जाम दे रही हूँ, पर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे। टूट जाती है वो अंदर से, बेटी हमारी टूट गई, बेटा हमारा अंदर से टूट गया। मैं उन बेटी बेटों से कहना चाहता हूँ, नहीं, माँ बार बार थपथपाती है, सो जा बाबू सो जा। एक बार एग्जाम दिया नहीं हुआ, दूसरी बार अच्छी मेहनत से दो, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार और अच्छी मेहनत से दो, हारना नहीं है। बच्चे की गोद में, बच्चे के नैन में, माँ की गोद में बच्चे को नींद आती जरूर है, उसी तरह तुम भी प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, और अथक प्रयास जब करोगे और शंकर के भरोसे चलोगे, तो निश्चित है कि उसमें जीत मिलेगी। इतनी जल्दी मरने का प्लान नहीं करना है। कई कई बच्चे सोच लेते हैं अब तुम मर जाएं तो अच्छा, घर जाएंगे पापा कहेंगे कि तूने एग्जाम पास नहीं करी, तूने कंपटीशन एग्जाम नहीं करा। कई केस कोटा में देखने को मिलते हैं, राजस्थान में देखने को कई मिले, कई कई क्षेत्रों में देखने को मिले कि बच्चे एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं, कोचिंग करने जा रहे हैं, और कोचिंग में अच्छा अच्छे नंबर से नहीं आते तो प्लांट कर लेते, सुसाइड कर लेते, क्यों मरना। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। मेरे भोलेनाथ जी ने सबको परिश्रम से जोड़ा है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। सारे देवताओं का दर्शन करना,
सारे देवता तुमको कोई सिंहासन पर बैठा हुआ दिखेगा, कोई अन्य जगह पर बैठा हुआ दिखेंगे, पर एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो कभी आपको सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं दिखते। भगवान शंकर एक पर्वत पर बैठे हुए मिलते हैं, कैलाश पर बैठे हुए मिलते हैं। और ईमानदारी से बोलो, किसी पर्वत पर तुम चढ़कर बैठ जाना, क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? नहीं। कहीं पांव गड़ रहा है, कहीं हाथ गड़ रहा है, कोई कम्बल नहीं, कोई बिछाने का नहीं, ठंड पड़ रही है, पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, खुले में बैठे हैं। वैकुंठ में दरवाजे हो सकते हैं, ब्रह्मलोक में दरवाजे हो सकते हैं, इंद्रलोक में दरवाजे हो सकते हैं, सारे लोक में दरवाजे हो सकते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शंकर जहां बैठते हैं कैलाश में, वहां दरवाजे नहीं। वो सीख देते हैं कि अपने कर्म से पीछे नहीं हटना, अपनी लगन से पीछे नहीं हटना। हम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गए? एक फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, दूसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, तीसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया, कर्जे में लदालूम हो गए, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया कि विचार करा कि अब तुम मर जाए तो अच्छा, छूट जाए तो अच्छा। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कर्जा हो भी गया है ना, शिव पुराण की कथा कहती है, कर्जा तुमने लिया है तो मेहनत भी तुम करो, और मेहनत करोगे तो निश्चित है कि वो कर्जा एक दिन चूक ही जाए। आपका परिश्रम एक पत्र, एक पत्र देखिए, देवकी चंद्रशेखर देवदास, ग्राम ठनोत, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वासी। कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, हाँ दिख गए हो, लिया बच्चा लाए हो साथ में? लाए हो तो लेकर आ जाओ, लिया। गुरुजी, शादी के एक साल, दो साल, तीन साल तक, पांच साल तक लोग इंतजार करते हैं, पर मैंने शादी के 10 साल तक बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही। और एक बात गुरुजी कहना चाहती हूं, जिस नारी की कोख से संतान नहीं होती है ना, उसको कितना सुनना पड़ता है, कोई मुझसे तो पूछे एक बार। दुनिया के सारी गानियां और दुनिया के सारे ताने एक तरफ होते हैं, और बिना बच्चे की मां को जो ताने दिए जाते हैं, वो तो शायद दुनिया में कोई सहन कर ही नहीं सकता। गुरुदेव अपने तो अपने, दूसरे भी जब मिलने आते हैं या घर पर आते हैं तो 10 चीजें सुना कर जाते हैं। पूजन करने बैठो तो लोग कह देते हैं कि इसकी तो औलाद नहीं है, तो बांझा। दुनिया के लोग ना जाने कितने कितने शब्द कह देते हैं गुरु जी, ऐसे कितने शब्द हैं, मैं अगर पत्र में लिखूं तो बहुतता हो जाएगी। गुरु जी हमने क्या 10 साल में हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको नहीं दिखाया, IVF कराया, सब कुछ करवाया, पर फिर भी संतान नहीं हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या गलती है? आखिरी में मेरे पड़ोस में गुड़िया रहती है, उस गुड़िया ने मुझसे कहा कि चाची, एक वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती, तुम आसन लगाकर उस कथा में बैठो। उस गुड़िया के कहने पर मैंने आसन लगाकर कथा सुनी, और उसी समय पर आपकी कथा कुछ समय बाद रायपुर में होने वाली थी, तो मैं रायपुर कथा सुनने के लिए पंडाल में चली गई। पंडाल में जगह नहीं थी, एक नाली के पास में, गटर के पास में, जहां से गंदा नाली का पानी बह रहा था, उसके पास में अपनी पन्नी बिछाकर, एक दरी बिछाकर बैठ गई, और वहां बैठकर मैंने कथा सुन ली। कथा सुनकर बाबा को प्रार्थना कर आई कि तू सबकी गोदी भरता है तो मुझे भी संतान जरूर देना बाबा। तेरी कथा में वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो मेरी भी झोली भरना। बाबा मैं कथा सुनकर आ गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, 10 साल के बाद मुझे बाबा ने मुझे संतान दे दी, और मेरे माथे से कलंक मिटा दी। 10 वर्ष के बाद मुझे संतान दी और मेरे माथे से, ये दुनिया के लोग जो ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ये कहेंगे, इनका कहना ही है, ये दुनिया के लोग ये कहेंगे, कहते रहेंगे, इनका कहना ही यही। हम अपने बड़े भाव से एक कथा में एक लाइन कहते हैं, उसको अपने दिल में बिठा कर रख लो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, जम के बोलो जा, अपन रहो मस्ती में। दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, दुनिया का काम है आपको आगे बढ़ोगे टांग खींच कर पीछे लाने की जवाबदारी, ये सब दुनिया के लोग करेंगे। कंपटीशन कहां पर नहीं है? फैक्ट्री है तो कंपटीशन है, नौकरी कर रहे हो चाहे
जिस पद पर कर रहे हो, चाहे तुम सरकारी हॉस्पिटल में कर लो, पुलिस विभाग में कर लो, चाहे तुम आयकर विभाग, जिस विभाग में तुम नौकरी कर रहे हो उसमें भी कॉम्पिटिशन, पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी कॉम्पिटिशन, शिक्षक हो उसमें भी कॉम्पिटिशन, खेल के मैदान में हो तो उसमें भी कॉम्पिटिशन। कौन सी जगह है जहां कॉम्पिटिशन नहीं है? और बच्चा कुचा था तो आजकल धर्म के क्षेत्र में भी कंपटीशन है, आजकल कथाकारों में भी कंपटीशन हो गया, संतों में भी कंपटीशन हो गया, जो आगे बढ़े उसका टांग पकड़कर पीछे खींच के लाओ और उसको पटको और अपना आगे बढ़ जाओ। कहां नहीं कंपटीशन? किस जगह पर कंपटीशन नहीं चलता? हर जगह पर कंपटीशन है, पर शिव पुराण कहती है हमें इस कंपटीशन से मतलब नहीं। शिव पुराण कहती है हमें भगवान शंकर की भक्ति और अपने मेहनत पर विश्वास करना है, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना है और अपनी मेहनत पे फिर आगे बढ़ना है, हमें अपने शिव पर भी भरोसा करना है, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना है, अपने कर्म पर भरोसा करना है। बस इतना याद रखो कि कर्म ठीक करते चलिए, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने मेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। मत खुश हो, रोना नहीं चाहिए, मन बाबा के पास आए हो ना, बहुत खुश हो अब तो दे दिया ना बाबा ने, खाने सुनना बंद, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। क्यों कहना? इस बेटी ने लिखा है, कौन नहीं छोड़ा ताने देने में गुरुजी, हम फिर निवेदन करेंगे मेरे भोलेनाथ से, सावन का महीना है आप भी निवेदन करिएगा, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, पत्नी कहती है बच्चों के लिए कुछ लेकर आओ, रिश्तेदार आ रहे हैं कुछ लेकर आओ, उसकी जेब खाली रहती है ना, तो उससे पूछो सारी दुनिया में ठोकर खाना पड़ती है उस व्यक्ति को, सारी दुनिया। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसको भी जगह जगह, वहां चले जाओ वहां नारियल मिलेगा उसको झेल लो, वहां गोदी भरवा लो, वहां ये करवा लो, वहां ये करवा लो, जाओ वो डॉक्टर अच्छे हैं वहां जाओ, वो अच्छे हैं वहां जाओ, सारी दुनिया में धक्के खाते खाते जब आखिरी में परास्त हो जाती है तब दुनिया के लोग कोसना चालू करते हैं, ये तो है ही। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, और मेरे बाबा ने दिया एक एक कथा में, अगर आप ये सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, एक एक कथा में से आप इन पत्रों को यही छोड़कर जाते हैं, उन पत्रों में से अगर आप पत्र निकालेंगे तो आप देखेंगे किसी को मेरे बाबा ने खाली नहीं छोड़ा, स्त्री को संतान 24-24 25-25 30-30 साल बाद भी दी है, 15-15 साल बाद भी दी है, और बाबा ने जेब भी खाली नहीं रखी वो भंडार भरा। अरे खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठारो उठारो। एक विश्वास उत्पन्न करिए, एक भरोसा जागृत करिए, कैसे छोड़ दे वो आप,
कैसे छोड़ो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, कीचड़ है, बारिश है, कोई गाड़ियों पर चढ़ा बैठा है, कोई दीवालों पर चढ़ा बैठा है, कोई कहीं, कोई कहीं। आप पूरा नजारा अगर आस्था चैनल वाले, अगर मैं कहूँ वो ड्रोन जो कैमरा होता है उड़ने वाला, उससे अगर आएंगे तो शायद उड़ने वाले कैमरे से भी पूरा नजारा नहीं आ पाएगा, इतनी संख्या में इतने भक्त शिव भक्त यहाँ पहुंचे। एक शिव भक्ति आपके भीतर पर कर्म के साथ, लगन के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपकी मेहनत के साथ में होना चाहिए। एक कथा आती है बड़ी बड़ी सुंदर, भगवान शिव और सती में, यहां माता सती भगवान शिव के समझाने पर भी नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। समझाने पर भी नहीं मानी और चली गई शिव के। अब कम से कम जब समझाने पर भी नहीं समझी और चली गई भगवान शिव के पास, नहीं तब शिव के नजदीक में गई, भगवान शंकर ने समझाया उनको और अपने पिता के नजदीक में गई, अपने पिता के पास में। मां, केवल अकेली मां, सती माता की मैया, माता प्रसूति केवल अकेली, जो अपनी बेटी से प्रेम से मिली है। जितनी बहनें थी माता सती की, जितनी बहन, एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली, एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली, एक भी बहन। सती मैया के जितने भाई थे कोई प्रेम से नहीं मिलता, रिश्तेदार थे, चाचा काका बुआ फूफा सब, कोई नहीं मिलता। पिता तक प्रेम से नहीं मिलते, माता सती के पिता भी प्रेम से नहीं मिलते, वो प्रेम से नहीं, स्नेहवश नहीं मिल रहा। केवल एक अम्मा है जो प्रेम से मिली है। बहुत बहुत ध्यान देना, क्यों? कारण केवल एक था, सती मैया की जितनी बहनें थी, कोई चंद्र से भी आई थी, कोई कहीं भी आई थी, कोई कामदेव से भी आई थी, सब अच्छी अच्छी जगह पर भी आई थी, सबके घर में वैभव था, सबके घर में धन था, सबके घर में दौलत थी, सबके घर में संपदा थी। उधर आवाज नहीं जा रही है, आवाज का LCD बंद है तो LED चालू करिए उधर की, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आवाज तो आ रही है ना, LED से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बैठ कर कथा का रिस्पॉन्स करिए। LED वाले LED चालू करें, पीछे पर डाल के। पिता नहीं मिले, बहन नहीं मिली, भाई नहीं मिले, रिश्तेदार नहीं मिले, सती मैया से केवल मिली तो केवल एक मां मिली। क्यों? केवल मां। और बहुत सुंदर संवाद कहता है महाराज, धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई नहीं। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। ये सब चीज हमें हमारे संस्कार भी सिखाते हैं। आप देखो, एक अंदाजा लगाकर देखिए, तुम्हारे घर में शादी हो रही है ना, घोड़ी पर दूल्हा निकल रहा है ना, शादी हो रही है ना, शादी में जब घोड़ी पर दूल्हा चलता है तब जितने घर के रिश्तेदार होते हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचते हैं। छत्तीसगढ़ में पीछे नाचते हैं कि आगे नाचते हैं? जम के तो बोलो जरा, आगे। जितने रिश्तेदार, बुआ फूफा मामा काका चाचा चाची भैया भाभी रिश्तेदार नातेदार कुटुंब कबीला मौसा मौसी फूफा फूफी जितने भी हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचेंगे। उनके जितने रिश्तेदार है सब आगे नाचेंगे, दोस्त यार सबसे आगे नाचेंगे। क्यों? जब तुम्हारे घर में सुख है, खुशियां है, सब आगे नाचते हैं, सब आगे रहते हैं, आगे आगे बढ़कर काम करते हैं। और जैसे ही मान लो किसी को देखना, किसी के यहां कोई मर गया तो मुर्दे को सबसे आगे रखते हैं, बाकी सब पीछे खसक जाते हैं, सब पीछे। मरने पर मुर्दा आगे रहता है, बाकी के सब पीछे रहते हैं। शादी में सब आगे रहते हैं और दूल्हा पीछे रहता है। उसका कारण केवल इतना सा है, तुम्हारी सुख की घड़ी में जब तुम्हारे पास धन होगा, वैभव होगा, संपदा होगी, सत्ता होगी, कुर्सी होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा, तो सब तुम्हारे आगे आगे बढ़कर काम करेंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा उस दिन सब
तुम्हें आगे धक्का मार देंगे और खुद पीछे से आराम से खुशियां मनाएंगे। वो 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 दिवाली पे फटाके किस किसने फोड़े? अरे बोलो तो जमके, सबने फोड़े? क्या करते हो, फटाके में आग लगाकर वहीं खड़े हो जाते हो? जमके तो बोलो। नहीं, फटाके में आग लगाई, दौड़ के पीछे पीछे खड़े होके सब पल्लू वल्लू ले लू आके बढ़िया जो अब फूटेगा सब खड़े। आग लगाई, पीछे जाकर खड़े हो गए, फटाके के फूटने का इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई दुनिया में लोग हैं जो तुम्हारे घर में, परिवार में, रिश्तों में, अपनों में, धर्म में, समाज में, संप्रदाय में, कई ऐसे लोग हैं जो आग लगाकर फटाके में दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि अब फूटेगा। जब तुम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो, बहुत आगे बढ़ जाते हो, बहुत बहुत तरक्की कर लेते हो, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पर, बहुत अच्छे यश पर आप जाकर बैठ जाते हो, तब जितने अपने होते हैं, जितने दूसरों को मतलब नहीं होता, अपनों को, कई लोग ऐसे हैं उनको इंतजार रहता है, अब देख बहुत उड़ रहा है ना, अब नीचे गिरेगा, बहुत चढ़ रहा है ना ऊपर, अब नीचे गिरेगा, वो इंतजार करते हैं, फूटेगा। उसको क्या मालूम कि शंकर का भक्त है, इतनी जल्दी फूटता नहीं है, कई कई रस्सी बम भी फुस निकल जाते हैं और खड़े वाले इंतजार करते रहेगा। मालूम नहीं है कि शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शिव को रिझाने वाला, बम फूटने का इंतजार सब करते 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 कई कई बम ऐसा भी होता है कि फुस्सी निकल जाता है, फूटता ही नहीं, सब इंतजार करते फूटेगा, सब इंतजार कर रहे हैं, 50 रुपए का बम, 60 रुपए का बम, फूटेगा, फूटा ही नहीं। क्यों? जो भगवान के आश्रित होकर जीता है और जिसने अपने कर्म को मेहनत के साथ जोड़कर उन्नति की सीढ़ी पर जो चढ़ा होता है ना, हल्के फुल्के नहीं, जो मेहनत कर कर चढ़ता है ना, वो इतनी जल्दी गिरता नहीं है, उसको कितना भी गिराने का प्रयास कर लिया जाए, लगन से आगे बढ़िए। खड़े होकर तो बहुत इंतजार करेंगे लोग, फूटेगा। ना। हम उसके आश्रित होकर चलेंगे, आश्रित, और जब हम उसके आश्रित होकर चलेंगे तो जिंदगी का एक पत्र देखिए, प्रवीण गोस्वामी दुर्ग से हैं, मेरे घर के लोग बहुत सुनते हैं आपकी कथा, मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? ए बेटा प्रवीण, मेरा एक प्रश्न है, उत्तर देंगे क्या? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मुझे पूछना है, आप मेरा उत्तर देंगे? प्रश्न है मेरा, गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? हम ही मिले थे ऐसा पूछने के लिए, कहीं बैठा है क्या? गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए? प्लीज 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 गुरुजी, मेरा पत्र जरूर पढ़ना, प्रवीण गोस्वामी दुर्ग छत्तीसगढ़। अब हमसे क्यों पूछ रहे हो, ट्रैफिक वाले बैठे हैं उनसे पूछो ना कि गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए, अगर हमसे पूछा है तो हम तो इतना कहेंगे जिसकी जितनी उम्र है उतनी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। हम तो इतना कहेंगे बेटा प्रवीण कि जिसकी जितनी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ, आप 20 साल के हो तो 20 में, 15 के हो तो 15 में, 80 के हो तो 80 में, और 100 के हो तो निकल लो, बाकी का ट्रैफिक वाले बैठे हुए हैं वो आपको बता देंगे कितनी स्पीड में, हमारी स्पीड तो हम बता रहे हैं, हमारी भैया स्पीड से हम वर्णन कर सकते हैं कि जितनी जिसकी उम्र है गाड़ी उतनी स्पीड में चलाओ, तुम्हारी 15 साल है 15, 20 साल है 20, 25 है 25, 30 साल के हो तो 30 की स्पीड में चलो, 40 के हो तो 40 के, 80 के हो तो 80 के, और 100 के हो तो 100 के। अब 100 के तो ऊपर ही निकलोगे, फिर स्पीड की जरूरत कहां पड़ेगी? गाड़ी कितनी स्पीड में बोलो, हम तो हमारी व्यास पीठ के माध्यम से बस इतना बता सकते हैं।
अब आपकी स्पीड आपको बनाना है, आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, पहले तो इतना अंदाजा लगा लो कि जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, जो सरकार ने एक नियम बनाया है गाड़ी चलाने के लिए, जो सरकार ने एक नियम बनाया है कि गाड़ी इस उम्र में चलाना चाहिए और ऐसे चलाना चाहिए, सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए, उस नियम के अनुसार चलना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पर आश्रित हो जाओ, शंकर पर आश्रित होकर, भगवान देवदिव्य महादेव पर आश्रित होकर जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति हमको होती ही होती है, अवश्य होती है। और शंभु शरणे आप शिव के आश्रित होकर जिए, शिव के आश्रित। मां सती जब गई हैं, देखा कोई नहीं मिल रहा, केवल एक मां के सिवा कोई नहीं मिला, केवल एक मां मिली है, धन संपदा पैसा दौलत रहती है तो सब प्रेम से मिलते हैं, जब धन संपदा नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, दौलत नहीं रहती, सत्ता नहीं रहती, तब कोई प्रेम से नहीं मिलता, क्योंकि संसार थोड़ा धन का मीत है। सती मैया को भगवान शिव ने कह दिया था कि तुम वहां जा तो रही हो पर याद रखो तुम्हारा इतना सम्मान नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं हम कई बार माताओं से कहते हैं, कई बार हम कथाओं में वर्णन करते हैं, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, मान लो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं है आपके पास में बहुत सारी दौलत, नहीं है आपके पास में इतना धन, नहीं है आपके पास में कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई सामान, नहीं दे सकते ना आप किसी को कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम चेहरे की प्रसन्नता तो दीजिए, स्माइल तो दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराहट तो दीजिए, ये तो है ना अपने पास में, ये तो अपने पास है ना कि अपन मुस्कुराहट दे सकते हैं, अपन चेहरे की प्रसन्नता दे सकते हैं, अपन अपने चेहरे की स्माइल दे सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर बैठने वाले होते हैं, वो इतना मुस्कुराते नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि अगर मुस्कुरा दिए तो फिर ये काम उनको करना पड़ेगा, इसलिए वो भले अपनी जगह पर सहज है। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, आप कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। हम तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया के लोग अन्न दान कर रहे, वस्त्र दान कर रहे, कन्या दान कर रहे, मुद्रा दान कर रहे, स्वर्ण दान कर रहे, कोई वस्त्र दान कर रहा है, हम आपसे निवेदन करेंगे आपके पास में कुछ नहीं है तो भगवान शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दान भी करना प्रारंभ करिए, ये मंत्र का दान करिए, ये स्तुति का दान करिए, पंचाक्षर मंत्र दीजिए, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र दीजिए, ओम नमः शिवाय। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छी जम के गूंजते हैं, कहते हो जम के, चार लोगों तक तुम्हारी आवाज पहुंचे शंकर को जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाते चढ़ाते जिस मंदिर के प्रांगण में जितने बैठे हो, बाहर नंदी बैठा है, मां जगत जननी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, चिदानंद कार्तिक के बैठे हैं, और शास्त्र कहता है शंकर भगवान का जहां जल चढ़ता है उसके सामने से जो जल निकलता है उस स्थान पर 33 कोटि देवता बैठते हैं। हम एक अकेले शिव जी को नहीं बोलते, हम जितने देवता यहां पर विराजमान हैं, जब हम जम के बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उन सभी को नमन हो जाता, उन सभी को प्रणाम हो जाता, उन सभी को दंडवत हो जाता। सती मैया तुम मत जाओ, सती मैया नहीं मानी, सती मैया कही है, सती मैया मानने को तैयार नहीं है, माता सती मानती नहीं, गई, अपमान हो गया, शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ गया,
पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जिस जगह पर शिव नहीं है, जहां शंकर नहीं है, जहां शंकर का शिवलिंग नहीं है, दुनिया के लोग उसको शीघ्र विध्वंस कर देते। यज्ञ में शिव नहीं थे, इसलिए वो विध्वंस हो गया। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा भी रोग है, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हो, किडनी लीवर तक अगर खराब हो गया है, तो शंकर का गुणगान करिए, एक लोटा जल शिव जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करना। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम प्रेमलता निषाद, पति राजेंद्र निषाद, ग्राम नवा पार, नवा गांव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं ऐसा हाथ हिला। आइए एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, जाओ आ जाओ। मेरा नाम प्रेमलता निषाद है, पति राजेंद्र निषाद है, गांव नवा गांव। मैं गुरुजी शिव जी को चढ़ाए गए एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। बेटी को तकलीफ हो गई, दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसको एक गांठ हो गई। अब ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या, हम आपको सुनते नहीं थे पहले, हम आपको जानते भी नहीं थे, पर किसी ने आपकी कथा हमको मोबाइल पर दिखाई और दिखाकर आपका चेहरा दिखाया और दिखाकर कहा ये महाराज को टीवी पर कथा सुना करो। बेटी की स्थिति देखकर हमारा दिल बहुत दुखता था, करें तो करेगी। तब आपकी कथा अमलेश्वर में चल रही थी और हमने अमलेश्वर की कथा सुनने का विचार कर लिया। मोबाइल पे मालूम पड़ा, टीवी पे मालूम पड़ा कि आप अमलेश्वर आने वाले हैं, अमलेश्वर में हम कथा सुने। और हमने बाबा से बस केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा इसके गठान हो गई है, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं, बस आप कृपा कर दो, कैसे भी ये गठान गल जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए गुरुदेव। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज इस भिलाई की भूमि पर बैठी हूं कि अमलेश्वर की कथा में बाबा से प्रार्थना करी थी। और आपका एक यूट्यूब पर से एक आपने बोला था कि शिवरात्रि कोई सी भी हो, उस शिवरात्रि को बेर चढ़ाकर एक बेलपत्र के साथ उसको खिला देना चाहिए तो गांठ गलना प्रारंभ होती है। मैंने उसी बेर का और बेलपत्र का प्रयोग करा और दूसरी बार मेरी बेटी की मैंने जांच कराई, बाबा की कृपा से उसकी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए एक उसकी रिपोर्ट भी मैं लगा रही हूं, जब गांठ थी तब की और गांठ चली गई उसकी भी रिपोर्ट, दोनों की दोनों रिपोर्ट में लगा रही हूं। एक एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां कैसा भी, कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, कितनी भी तकलीफ आए, शिव उसको संभाल ले। जहां शिव नहीं है वहां फिर जीव धक्के बहुत खाता, जहां शंकर नहीं है फिर जीव धक्के खाता। आपके घर में भले छोटा सा शिवलिंग हो, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, कांच का हो, कैसा भी हो, हीरे का हो, मोती का हो, कैसा भी हो, पर अपने घर में पत्थर का, लकड़ी का, कैसा भी, अपने घर में एक शिवलिंग होना जरूरी है, एक शंकर का शिवलिंग हमारे घर में होना जरूरी है। गला खींच रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है कथा को। हमारे घर में शंकर का एक शिवलिंग होना जरूरी है, बहुत जरूरी, वो किसी का भी हो, भले वो कैसा भी हो, भले वो नर्मदा जी के कंकर का हो, सीहोर के कंकर का हो, चाहे कैसा भी कुबेरेश्वर बाबा के कंकर का हो, पर शिवलिंग शिवलिंग घर में हो। एक पत्र है, देखिए, मैं कमला साहू, पति भागवत प्रसाद साहू, कुनकुरी जिला
रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं कमला साहू, पति भागवत प्रसाद साहू, कुनकुरी, जिला जशपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। हाथ हिलाओ, हाँ दिख गए हो, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ, जाओ। मेरे पिताजी के पीठ पर एक गठान हुआ, दूसरा गठान हुआ। डॉक्टर द्वारा हमें दिनांक 3/5/2024 को ऑपरेशन का बोल दिया गया। पांचवें महीना 2024 में जब ऑपरेशन का बोला, तब हमने डॉक्टर से कहा, हमें थोड़ा सा दिन दे दो। डॉक्टर कह रहा है कि इनके शरीर में गांठें बढ़ रही है, इसलिए इसका ऑपरेशन जल्दी से कराना पड़ेगा और इसका जांच होने के लिए जाएगा कि ये गठान है काय। तभी हमने डॉक्टर से केवल 7 दिन मांगा और 7 दिन लेकर हम घन आ गए। आपकी व्यासपीठ से आपने दुर्वा का प्रयोग बताया था कि सफेद दुर्वा शिवजी पर चढ़ाना चाहिए और उस दुर्वा का सेवन करना चाहिए। फिर आपने बेलपत्री का उपाय बताया। तभी हमने आपके मुख से सीहोर के कंकर शंकर की महत्वता, रुद्राक्ष की महत्वता सुनी। हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गड़ाकर शिवजी को चढ़ाकर उसका जल देने लगे, कटोरी भर भर कर, और गठान वाले स्थान पर भी उस जल को लगाने लगे। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, 3/5/2024 को ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और फिर 22/5/2024 को हम जब बाबा का जल, बेलपत्र और दुर्वा देना चालू कर दिए, उसके बाद हमने 22/5/2024 को फिर जांच कराई और डॉक्टर ने जांच करा और जांच करने के बाद कहा कि इनके शरीर में गठान नहीं है, सारी गठाने समाप्त हो गई है और जो इनको कैंसर जैसा बताया गया था वो भी इनको नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई। ये शिव तत्व है। प्रेमलता निषाद, आप ही शिव बेटी थी, बेटी को जो गांठ हो गई थी निषाद, प्रेमलता निषाद, पति राजेंद्र निषाद, ग्राम नवागांव, शिव तत्व की प्राप्ति। आप जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, ये पत्र में उन्होंने लिखा कि गठान होने के बाद 22/5/2024 को फिर जांच कराई और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उनकी गठाने गल गई और जांच में वापिस आया कि इनको कैंसर जो बताया गया था, तब उस कैंसर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए। एक शिव तत्व है, एक शंकर के प्रति भाव, एक जागरूकता आपके भीतर हो, जागरूकता। और जब हम भगवान शिव भी यही कहते हैं, भगवान शंकर की कथा भी यही कहती है, जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां हो सकता है कर्म का खेल है, कष्ट जरूर आता है, कर्मों का खेल है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। कर्म का भोग तो भोगना है मनुष्य को, वो तो आता है, पर इतना जरूर है कि अगर शंकर के गुणगान में हम लगे हैं, घर के अंदर शिवलिंग है, एक लोटा जलम महादेव को चढ़ा रहे हैं, रोज प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारा जो दुख है वो बड़ा नहीं रहेगा, वो दुख धीरे धीरे कर कर कट जाएगा, ये निश्चित है। अब बाबा ने कृपा करी है और पूरी गठाने गल चुकी हैं और बड़ा जो रोग बताया था वो भी समाप्त तो हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला हम उस पर आश्रित हो जाएं, हम उसके भरोसे हो जाएं, उसकी दृढ़ता धारण कर लें।
उसके भरोसे उसकी दृढ़ता में हम रहें, उसके आश्रित होकर हम रहें। सती मैया गईं, जलकर भस्म हो गईं, और माता सती जब जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गईं। देवऋषि नारद ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। मैनावती रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहा था कि मेरी बेटी का भाग्य नारद जी बता रहे हैं, बेटी का भाग्य। और नारद जी भाग्य बताते बताते कहते हैं कि इसको जो पति मिलेगा अड़भंग धारी मिलेगा, भस्मी धारी मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्म लगाने वाला, भस्मी धारण करने वाला। अरे भस्म का मतलब समझो तो कि भस्म है क्या? कागज जला राख हो गया, कपड़ा जला राख हो गया, जो चीज जलती है वो राख हो जाती है। अब राख को कोई राख राख को आग लगा के बताओ तो क्या होगा? अरे बताओ तो जम के। भस्म में आग लगाओगे तो भस्म ही रहेगी। भस्म में आग लगाओगे तो वो तो भस्म ही है, राख में आग लगाओगे तो वो तो राख ही है। भगवान शिव की कथा कर रही है, मैंने अपने तन पर भस्म लपेट कर रखी है। उसका कारण केवल इतना सा है, जो बर्तन मांजने में काम आती हो, जो भस्म दूसरी जगह पड़ी रहती हो, जिस राख का कोई मूल्य नहीं है, जिस राख की कोई कीमत नहीं है, शिव कहते हैं वो राख मैंने अपने शरीर पर धारण कर उसकी भी कीमत बढ़ा दी है। अर्थात शास्त्र कहता है छोटे से छोटा, शास्त्र कह रहा है छोटे से छोटा, बहुत छोटा बहुत छोटा, जो कोई जिसकी कोई कीमत लोग ना जाने, जिसको लोग व्यर्थ समझते हैं, किसी काम का नहीं। और फिर निवेदन आप सबसे, जितने भिलाई की इस पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, जितने छत्तीसगढ़ की पावन धरा से कथा सुन रहे हैं, और जितने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत गरीब हो, कभी यह मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। जिसकी कोई कीमत नहीं होती, अगर वो शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने लगे तो वो भी कीमत वाला हो जाता है, वो भी कीमत वाला हो जाता है। अगर एक लोटा जल देवरी दे महादेव को चढ़ता रहे तो उसकी भी कीमत हो जाती है। पार्वती जी का भाग्य बता दिया कि ये पार्वती, इसको जो पति मिलेगा अड़भंग मिलेगा, जटाजूट वाला, भस्मी रमाने वाला। बस इतना निवेदन जरूर है, भगवान ने शरीर पूरा दिया है, भगवान ने शरीर पूरा दिया है तो राम राम भी पूरी करा करो, शरीर पूरा दिया है तो भजन भी पूरा किया करो, शरीर पूरा दिया है तो भक्ति भी पूरी किया करो। आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है, आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है, आधा राम राम हमारी सनातन धर्म की पहचान नहीं। शरीर पूरा दिया, हाथ पूरे दिए तो राम राम भी दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए, यह सनातन धर्म का नियम है, ये सनातन धर्म की पहचान है। एक हाथ से राम राम करना, एक हाथ से राम बोलना, या एक हाथ का प्रयोग भगवान की भक्ति में करना श्रेष्ठता नहीं है। एक हाथ का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है, एक हाथ का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है, हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं होता, हमारे सनातन धर्म में दो हाथ का प्रयोग होता है। राम राम साहब, हमारे सनातन धर्म में दो हाथ का प्रयोग होता है, हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म में दो हाथों से नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, यह दूसरे धर्म की सभ्यता है, यह दूसरे धर्म का नियम है, जो एक हाथ से प्रणाम कर ले, एक हाथ से कुछ भी कर ले। हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं, दो हाथ का प्रयोग है। पर आजकल ना जाने कौन सा नियम लेकर आ गए, मम्मी पापा के पांव भी पड़ेंगे तो एक हाथ। ये एक हाथ हमारे सनातन धर्म की पहचान ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म की तो पहचान दो हाथ है ना। जब भी, और निवेदन करूंगा, आप जब भी किसी से बात करें, राम राम करें, प्रणाम करें, एक हाथ से नहीं, हाथ जोड़ कर करें। ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मेरे भारत की निशान। एक हाथ से प्रणाम नहीं। सनातन की पहचान दोनों हाथ है। पूरा शरीर दिया है तो पूरा प्रणाम होना चाहिए, पूरा शरीर दिया है तो पूरा नमन होना चाहिए, पूरा शरीर दिया है तो पूरा भजन होना चाहिए।
इसलिए दोनों हाथ जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, आप लोग तो कैसे बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारे ये दोनों हाथ नीचे जाकर शिवलिंग की आकृति में आकर, ये दोनों हाथ नीचे जाते हैं शिवलिंग की आकृति में आ जाते हैं, और शिवलिंग की आकृति में आने के बाद फिर हम भगवान शंकर का गुणगान करते हैं कि शिव इन सब का कल्याण करने वाले, ओ गणदानी तू सदा कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, कृपा करना करुणा करना। श्री शिवा नमस्तु। आप भी जब प्रणाम करें, आप भी जब गुणगान करें, आप भी जब मंत्र जाप करें, दोनों हाथ जोड़कर शंकर के पास जाएं, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, भगवान शिव की स्तुति करें, भगवान शंकर का स्मरण करें, दोनों हाथ। इतना सुंदर कहा है, कई माताएं जब कई माताएं जब जल चढ़ाती हैं तो एक हाथ से तो जल चढ़ाती रहती हैं, दूसरे हाथ से भगवान को घसती रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले जल चढ़ा लो, फिर थोड़ा सा घस लो दोनों हाथों से, फिर वापस जल चढ़ा लो। दोनों हाथों का प्रयोग करिए, दोनों हाथों का प्रयोग करिए। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आ। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कह दिया कि इनको जो पति मिलेगा वो भस्मधारी, जटाजूड़ बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, कोई बात। पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई, पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद पार्वती जी को थोड़े थोड़े दिन में इतना क्रोध जागृत हो जाता, इतना क्रोध आ जाता कि पार्वती जी कोई सामग्री अगर रखी रहती तो वो सामग्री को फेंक देती, क्रोध जागृत, बड़ा चिंता का विषय है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बेटा, छोटी सी बेटी अगर गुस्सा कर रही है, क्रोध कर रही है, आप समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, बता रहे हो, उसके बाद भी अगर बच्चा क्रोध में कमी नहीं कर रहा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति में कमी नहीं कर रहा, समझ लेना ये तुम्हारा आज का क्रोध नहीं है, इसके पूर्व जन्म में इसका कोई पूर्व का जो जन्म होगा उस जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण इस बेटा बेटी में, इस बच्चे में, इस व्यक्ति में क्रोध समाहित हो गया, क्रोध समाहित हो गया। महाराज देखो, धतूरा देखा है आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, देखा है सबने धतूरा? धतूरे में पीछे जो डंडी होती है वो थोड़ी सी मुड़ी होती है, हल्की सी मुड़ी होगी डंडी, हल्की सी मुड़ी हुई डंडी। जो प्रसंग आप और हम श्रवण कर रहे हैं वही प्रसंग यहां चल रहा है, ये धतूरा जैसे देखिए, अब ये धतूरा है, धतूरे की जो डंडी है ये डंडी एकदम सीधी नहीं रहती है, डंडी हमेशा कोई भी धतूरा होगा धतूरे की डंडी थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, थोड़ी सी मुड़ी रहती है, प्रत्येक धतूरे की डंडी मुड़ी रहती है। अब आप अपने बच्चों को समझा रहे हो इसका क्रोध कम नहीं हो रहा, मैंने समझा दिया, ज्ञान दे दिया, पिताजी ने समझाया, दादा समझाए, दादी समझाई, अपने घर के संस्कार अच्छे हैं, अपने घर में कोई गुस्सा करने वाला नहीं है, अपने घर में सब प्रेम करने वाले हैं, सब आदर करने वाले हैं, सब सत्कार करने वाले हैं, उसके बाद भी अगर बच्चे क्रोध में डूबे हुए हैं तो ये इनके इस जन्म का नहीं है, ये उस जन्म का है। जैसे माता पार्वती जी, पार्वती जी छोटी सी अवस्था धारण करती है, 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी आती है, हर थोड़े दिन में माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है, इतना तेज क्रोध आता है माता पार्वती, जो समान हाथ में आया वो फेंक, इतना क्रोध। माता माना जगत जननी हो, मां दुर्गा हो, भवानी हो, अष्ट भुजा धात्री हो, पर मां जब एक बड़ी हो जाओ तब क्रोध करो तो चल जाए, पर छोटी सी अवस्था में क्रोध आ, एक चिंता का विषय पड़ गया, हिमालय राज की रातों की नींद उड़ गई, मां मेनावती की रातों की नींद उड़ गई, हमारी बेटी पार्वती को हुआ क्या है? थोड़े दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन में क्रोध कर जाती है, इतना क्रोध करती है कि वस्तु फेंक देती है, इतना क्रोध मां पार्वती का, बड़ा चिंता का विषय पड़ गया। बड़ा आज हिमालय राज का मन बड़ा दुखी था, हिमालय राज जी मन दुखी था, तो हिमालय राज आज अपने नगर से
बाहर निकल गए। बाहर निकले, थोड़ा सा मन को, थोड़ा मन को थोड़ा सा संभालने के लिए बाहर निकल, मन को संभाल। बड़े दुखी थे हिमालय राजा, बड़े दुखी चल दिए, मन दुखी था। कई बार बच्चों का चिड़चिड़पन देखकर, कई बार बच्चों की हालत देखकर, बच्चों का क्रोध देखकर, माँ की तो आदत हो जाती है, माँ तो रोज घर में रहती है, 24 घंटे रहती है, तो माता को तो मालूम है कि बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा क्यों चिड़चिड़ कर रहा है, माँ को मालूम है। पर पिता ऑफिस जाने वाला, पिता नौकरी करने वाला, पिता दुकान पर रहने वाला, संडे के दिन घर पर रहा, मंडे के दिन घर पर रहा, छुट्टी वाले दिन घर पर रहा, जिस दिन वो घर पर रहता है और बच्चों की ऐसी हालत देखता है, गुस्सा देखता है, क्रोध देखता है, तो पिता को क्रोध आ जाता है, पिता का मन दुखता है, पिता का हृदय दुखता है, पिता का दिल रोता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी अच्छी है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरे भाई बंधु अच्छे हैं, फिर ये बच्चों में ये गुण कहां से आ रहा है, स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, फिर बच्चों में ये चिड़चिड़पन कहां से आ रहा है, ये गुस्सा कहां से, ये कहां से आया। आज हिमालय राज के नैनों में जल भर गया, मेरी बेटी पार्वती, और मेरी बेटी पार्वती जी की ये दशा, मेरी बेटी पार्वती की ये दशा, नैनों में जल भर गया, हिमालय राज बाहर निकल गया, आज भवन से बाहर निकले हिमालय। और हिमालय राज भवन से बाहर निकले, कुछ दूर चले ही थे, थोड़ी दूर हिमालय राज चले ही थे, इतनी देर में हिमालय राज को आज भगवान शंकर के परम भक्त, भगवान शिव के प्रिय भक्त श्री तुमरुका जी का दर्शन हुआ। ये बड़ी सुंदर कथा है, जरा सावन के महीने की ये बड़ी प्रिय कथा है, आप इसका स्मरण जरूर करिएगा, बहुत बहुत साधुता इस कथा को जनमानस तक इसका स्मरण जरूर होना चाहिए। हिमालय राज सामने से तुमरुका जी आ रहे हैं, घोड़े का मुख लगाए, हाथ में वीणा रखी है, एक हाथ में करताल है, नारद जी का जैसा स्वरूप होता है वैसे ही तुमरुका जी का स्वरूप है, घोड़े का मुख लगाए, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी भगवान का नाम लेते लेते चले आ, चले आ। हिमालय राज ने जो तुमरुका जी को देखा, तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने तुरंत उसी समय उसी पल उसी घड़ी तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने उसी पल उसी घड़ी प्रणाम किया। तुमरुका जी ने हिमालय राज के चेहरे की दशा देखी और दशा देखकर पूछा, हिमालय राज आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। बहुत सुंदर बात कही है हिमालय राज ने, दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है आपको झुका दे, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको तोड़ दे, दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको झुका दे आपको तोड़ दे। व्यक्ति झुकता है और टूटता है तो अपने घर से टूटता है, नहीं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं। कोई कितनी भी गाली दे कोई नहीं झुक सकता, कोई कितने भी तानी दे कोई नहीं झुक सकता। सबसे ज्यादा व्यक्ति टूटता है तो अपने घर से टूटता है, सबसे ज्यादा झुकता है तो अपने घर से झुकता है। दिन भर घर के लोग बैठकर अगर टॉर्चर करेंगे, दिन भर घर के लोग बोले जाएंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो घर में रहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटता है। बच्चे ऐसा, बच्चे वैसा, पत्नी ऐसी, परिवार ऐसा, कहीं पत्नी टॉर्चर कर रही, कहीं बच्चे टॉर्चर कर रहे, कहीं भाई टॉर्चर कर रहा, कहीं बहन टॉर्चर करे, कहीं माता पिता टॉर्चर करें, कहीं बंधु भाई टॉर्चर करे, कहीं रिश्तेदार टॉर्चर करें, तब व्यक्ति टूटता है। दूसरे में दम नहीं कि तुमको तोड़ दे, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें झुका दे। घर के लोग जब बार 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 करते हैं तो फिर झुकना पड़ता है। किसी के भीतर वो सामर्थ्यता नहीं है। हिमालय राज जैसे शिखर को, हिमालय राज जैसे पर्वत को, हिमालय राज जैसे राजा को, जो हिमालय का भी राजा है पर्वतों का भी राजा है, उसको कोई दूसरा नहीं तोड़ पाया। घर के बच्चों की दशा देखकर, बार बार स्मरण देखकर टूट गया। एक बाप दुनिया में शेर है, एक पिता
सारी दुनिया में राज्य करना जानता है, भले एक पान की दुकान चलाता हो, भले पानी का काम करता हो, चाहे एक साइकिल पर कपड़ा सामान बेचता हो, पर उसमें वो बल है कि वो दुनिया से लड़ सकता है। पर जब वो घर में आता है ना, और घर में पत्नी बच्चे और परिवार मुंह फुला कर रहते हैं, उनके चेहरे की दशा अच्छी नहीं रहती ना, वो दुनिया से जीत सकता है पर घर में आके हार जाता है। एक व्यक्ति घर में आकर हार जाता है। और मेरा निवेदन है घर के बच्चों को, मेरा निवेदन है घर की पत्नी को, घर में रहने वाली मेरी माताओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरा निवेदन है मेरे घर के बेटा बेटियों को, तुम्हारा बाप तुम्हारा पिता जब दिन भर थक कर काम कर कर जब अपने घर में आए ना, तुम्हारा चेहरा मुसद्दी लाल जैसा मत करो, तुम्हारा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बेटी की दशा देखी बाप रो देता है, बेटे की दशा देखी बाप रो देता है, पत्नी का दशा देखी बाप रो देता है, घर के लोगों की दशा देखी बाप रो देता है, उसके चेहरे की प्रसन्नता चली जाती है। चाहे वो घर का पिता हो, चाहे घर की स्त्री हो, घर की नारी भी एक ऐसी है सबसे भिड़ लेगी, सबसे लड़ लेगी, सबसे झगड़ लेगी, अच्छे अच्छे को जवाब देकर आ जाएगी, और वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी, वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी घर की स्त्री। पर घर में पति पत्नी को सम्मान ना करे तो एक दिन औलाद भी अपनी मां का सम्मान नहीं करते, फिर एक दिन औलाद भी सम्मान नहीं। हिमालय राज की आंख में जल भरा, पूछा तुम रुका जी ने पूछा आज आज आपके चेहरे की दशा क्या, आज आपके चेहरे की ये दशा क्यों है। हिमालय राज कहते हैं मेरी बेटी को नहीं समझ में आता कि थोड़े दिन अच्छी रहती है, थोड़े दिन में क्रोध कर जाती है, गुस्सा कर जाती है, बहुत चिड़चिड़ करती है, करूं क्या। तुम रुका जी ने कहा देवऋषि नारद ने अपनी आपकी बेटी की पत्रिका बनाई, भाग्य बनाया, बताया क्या बताया कि बेटी अच्छी है, भाग्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर यह बेटी को तकलीफ क्या है। तुम रुका जी ने कहा पूर्व समय का कोई ग्रह ऐसा होता है, पूर्व समय का कर्म ऐसा होता है जिसकी याद बनी रहती है, तो हर थोड़े दिन में वो याद आती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम्हारी बेटी के साथ भी यही क्रम है। पार्वती अभी 5 वर्ष 6 वर्ष की है और अगर इतना क्रोध कर रही है, इतना चिड़चिड़ कर रही है, तो जरूर पूर्व समय का अनुमान होगा। तुम रुका जी ने कहा मैं आपकी बेटी के दर्शन करना चाहता हूं, बेटी के दर्शन। चलिए श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। जैसे देवऋषि नारद श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हैं, वैसे शंकर जी के भक्त तुम रुका जी, उनके मुख से भगवान शंकर का नाम निकलता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उनके मुख से शिव नाम निकलता है। जिसके मुख से शिव नाम निकलता है उसको, जिसके हाथ से शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ता है उसको, जब भी तकलीफ आती है तो दुख की घड़ी क्षण उस व्यक्ति को पहले महसूस होने लगता है। घर में कई जीजियां ऐसी हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बुजुर्ग माताएं ऐसी हैं जो भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाली होती है ना, तो कई बार अपने बच्चे को राय दे देती है, ऐसा मत कर बेटा बाद में नुकसान हो जाएगा, बेटा ऐसा मत करना ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ कुछ होने वाला है, मतलब उसको पूर्व भान हो गया। शंकर की आराधना करने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को पूर्व का भान हो ही जाता। तुम रुका जी को लेकर गए हिमालय राज, जो तुम रुका जी ने माता पार्वती जी का दर्शन करा, प्रणाम करा माँ को, माँ को प्रणाम करा। हिमालय राज ने पूछा तुम एक छोटी सी कन्या को प्रणाम कर रहे हो। तुम रुका जी कह रहे हैं यह छोटी सी कन्या नहीं, इस कन्या का जो पूर्व का जन्म है वो मां सती का है, अपने पिता की यज्ञ की अग्नि में कूद कर भस्म हो गई थी, ये वो सती मां है, ये वो सती मां है जो अपने पिता के यज्ञ अग्नि में कूद कर भस्म हो गई थी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूद कर भस्म हो गई थी, ये वो सती है। और आप कहते हो कि मेरी बेटी क्रोध करती है, चिड़चिड़ करती है, ये माता पार्वती जो क्रोध कर रही हैं, ये पूर्व जो पिता के घर में गई थी, पिता ने अपमान करा था,
बहनों ने अपमान करा था, भाइयों ने अपमान करा था, परिवार वालों ने अपमान करा था, वो अपमान सती के दिल में भर गया था, वो अपमान आज तक सती के दिल में है, और ये अगला जन्म ले ली वो अपमान आज तक भूल नहीं पाई है, इसलिए चिड़चिड़ कर जाती है, क्रोध कर जाती है, वो अपमान आज तक नहीं भूली। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर के संस्कार अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, दादा दादी अच्छे हैं, रिश्तेदार अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, स्कूल अच्छा है, ट्यूशन अच्छी है, फिर बच्चे इतने चिड़चिड़ क्यों करते हैं? ये आज का नहीं, पूर्व का है। पूर्व का। फिर मेरी बेटी को मैं जो सती थी, पूर्व का अपमान उसके दिल में जो भरा हुआ है वो अपमान समाप्त कैसे होगा? तुमरुका जी ने कहा अगर पार्वती शिव की आराधना करे, हिमालय राज बोले ये तो देवऋषि नारद ने मेरी बेटी को वैसे ही शंकर की आराधना बताई है। मेरी बेटी को तो शंकर भगवान की आराधना, देवऋषि नारद जब बेटी गोदी में थी उस समय कहकर चले गए थे कि शिव की आराधना करे पार्वती, और मेरी बेटी शिव की आराधना करती है। अगर तुम्हारी बेटी शिव की आराधना करे और आराधना करते 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 श्रावण का महीना आ जाए, और श्रावण के महीने में अगर मान लो भूल से भी शिवरात्रि पड़ जाए, भूल अवश्य भी शिवरात्रि पड़ जाए, और यदि प्रथम पहर के पूजन में पार्वती अगर एक शिव की आराधना करते करते भगवान शंकर के नाम को पुकारती हुई शिव की पूजन कर ले, शिव की पूजन आराधना कर ले, भूलवश भी श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर पूजन कर ले, तो फिर वो पार्वती जो पूर्व का उसका अंदर जो सती के समय का अपमान भरा हुआ था वो सब भूलवश भूल जाएगी, और पार्वती शंकर की आराधना में इतनी डूब जाएगी कि शिव उसको दर्शन देने के लिए आ ही। हमसे कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप जो पूजन कराते हो ऑनलाइन, इसमें 21 गेहूं के दाने बता देते हो, कहीं काली मिर्ची बता देते हो, कहीं काली तिल बता देते हो, लाल फूल बता देते हो, ये आप भगवान शंकर की पूजन में ये सब सामग्री बता देते हो, धतूरा बता देते हो, बेलपत्र की इतने नग चढ़ाना है, ये काम करना है, एक एक चीज एक एक शब्द पुराणों में से कहीं ना कहीं से उस कथा में से लिए गए हैं, उस कथा के अनुसार आपको वर्णित किया जाए। एक धतूरा, उस धतूरे को भी आपको कहा शिवरात्रि के दिन, फिर निवेदन करूंगा जिस जिस घर में बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हो, बहुएं चिड़चिड़ कर रही हो, परिवार में कहीं क्लेश बना हुआ है, जब आप 2 अगस्त को शाम को 7 बजे शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन बैठो पूजन करने के लिए, आपके नगर के कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आपके साथ बैठे हों, वो पूजन करा रहे हों, और अगर कोई ना मिले तो आप स्वयं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब ऑनलाइन पूजन कर रहे होगे, उस जगह पर आपके पूजन की सामग्री में लिखा है एक जम के बोलो धतूरा, एक धतूरा लिखा है। इस धतूरे के पीछे के भाग में, क्योंकि ये जो सोमवार से सोमवार तक का सावन आया है ये 72 वर्ष के बाद आया, आपको कलकत्ता में कहा था, इसके पीछे के भाग में यदि पीला चंदन लगाकर, अग्र भाग में लाल चंदन लगाकर आप जिस समय पर पूजन करेंगे और धतूरा चढ़ाने का समय आए उस समय पर जब आप समर्पित करेंगे, तो ये भाव से समर्पित करें कि हमारे घर में जो क्लेश है वो समाप्त करें भोलेनाथ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो धतूरा भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करिए, उसका फल फिर हमें बताना कि उसका फायदा मिला कि नहीं मिला। एक धतूरा, एक बेलपत्र का भी फल, एक लोटे जल का भी फल, ये जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन है इसका एक 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 एक, एक बूंद जल का भी महत्व शिव महापुराण की कथा करते। किसी ने कल के पत्र में था कि गुरुजी हम जो शिवलिंग बनाए घर में सब अलग अलग बनाए या एक बना ले, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारे बच्चों का मन हो रहा है कि हम भी शिवलिंग बनाए, तुम्हारे पति का मन है, पत्नी का मन है, सब एक साथ पूजन करें, एक शिवलिंग बना ले उसकी पूजन कर ले, जैसा तुम्हारा मन करे, पर 2 अगस्त को शाम को 7 बजे प्रथम पहर में, प्रथम पहर की पूजन में करो। और फिर एक बात याद रखना, 12 महीने अगर शिवलिंग बनाते हो, प्रदोष को शिवलिंग बनाते हो, सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, बाकी के महीने में तुम शिवलिंग बनाते हो, तो उसको रात होने से पहले बिछना पड़ता है। अगर बाकी के समय शिवलिंग बनाते हो तो रात होने से पहले विसर्जन करना पड़ता है, पर जो शिवरात्रि है
उसको क्या कहते हैं, शिवरात्रि। मतलब पूजन भी रात्रि को होना है, अनुष्ठान भी रात्रि को होना है, विसर्जन भी रात्रि को होना है, संपूर्ण। अगर चार पहर की पूजन कर रहे हो तो चार पहर का विसर्जन होता है। चार पहर का पूजन होने के बाद फिर सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हो तब आप जाकर विसर्जन करो और शिवरात्रि। पर आप जब एक पहर का पूजन कर रहे हो, मतलब शाम को 7 बजे पूजन कर रहे हो, तो शंकर जी का विसर्जन भी रात्रि को ही कर देना है, शिवरात्रि है इसलिए। बाकी के समय पर अगर शिवलिंग बनाओगे तो रात होने के पहले विसर्जन करना पड़ता है, पर शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो तो रात्रि को भी पूजन कर रात्रि को भी विसर्जन कर सकते हो, शिवरात्रि है इसलिए। अब विसर्जन करने कहां जाओगे, पानी गिर रहा है बहुत तेज, नदी नाले फूल हो रहे हैं, तालाब बावड़ी फूल हो रही है, कहीं नहीं जाना, अपने घर के बाहर एक बाल्टी में एक तसले में पानी भरकर रखो और घर के बाहर शंकर भगवान को अपने सिर पर लेकर घर के बाहर निकलो, बड़े आनंद के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में, थाली बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए, बोलबम बोलते हुए शिव जी का विसर्जन। कहीं मत जाओ, घर के बाहर एक तसले में पानी भर लो, उसमें विसर्जन। जब वो पानी मिट्टी गल जाए तब किसी पेड़ में किसी वृक्ष में उसको डाल दो, कहीं जाने की जरूरत। नदी नाले पानी के समय में फूल जाते हैं, बहुत पानी भरा रहता है, ध्यान रहे पता नहीं मिट्टी चिकनी होती है, स्मरण तो घर के बाहर, अपने घर के बाहर उसका विसर्जन। और शंभु शरणे पर मांगू घड़ी रे दुख का तो दया करीने हिमालय राज से कह दिया तुमरुका जी ने, अनुष्ठान पूजन करे, माँ पार्वती शिव की आराधना करे। मेरे छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है, बेटा बेटियों से निवेदन है, सब भगवान शंकर का भजन करो, शिव की स्तुति। चले पार्वती जी ने, सावन का महीना आया, शिवरात्रि का समय था, प्रथम पहर की पूजन कर ली। जिस प्रथम पहर की पूजन 2 अगस्त को शाम को 7 बजे अपन ऑनलाइन करेंगे, वो प्रथम पहर की पूजन माता पार्वती जी कर रही हैं, और करते से माता पार्वती जी को भगवान शंकर ने दर्शन दे दिया और दर्शन देकर कहा, पार्वती तू अब चिंता ना कर, तू मेरी ही शरण में आई, मेरी है और मेरी ही शरण में आई, क्यों चिंता। और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। शिव स्तुति में डूब गई पार्वती मैया। समय आता है भगवान माता पार्वती जी और भगवान शंकर का जो मंगल विवाह हुआ था, भगवान शिव और पार्वती जी के मंगल विवाह के अनुकूल उनके घर में सुंदर गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी महाराज का प्रागट्य। देखिए आगामी जो कथाएं हैं, आगे की जो कथाएं हैं, उस कथा की लिस्ट हम आपको बता दें। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। 12 अगस्त से 16 अगस्त तक 5 दिवसीय कथा गनोत खरखराड़िया नया रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। 17 अगस्त को कावड़ यात्रा रहेगी 1 दिन की सीहोर की कुबेरेश्वर महादेव की। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक कोंठा ग्राउंड नांदेड़ वेस्ट ऑन बाईपास रोड नांदेड़ महाराष्ट्र में कथा रहेगी 23 से 29 अगस्त की। 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में कथा रहेगी 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में कथा रहेगी। और 12 से 18 सितंबर तक जो अग्रवाल महिला मंडल की सीहोर की कथा होती है वो कथा 12 से 18 सितंबर तक रहेगी, ऐसा कथाओं का क्रम रहेगा। आप सभी को साधुवाद है, अपने नजदीक में जहां कथा हो वहां प्रेम से श्रवण करें। सावन 72 वर्ष बाद ऐसा सावन आया है, इस कथा का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन है। पूरे महीने कथा है, पूरे महीने जितने श्रोता भाई सुन सकते हैं सुने, और सावन के 72 साल बाद ऐसा सावन आया है, इसकी कथा को धारण कर अपने जीवन को सार्थक बना